गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर और पेंडुलम डाउजर। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं इस शो में, जिसका नाम है भविष्यफल सितारों से हल। दर्शकों, आज भी मैं आपके साथ रहूंगी पूरा एक घंटा, और इस एक घंटे के दौरान आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली बात कर पाएंगे। कोई भी परेशानी हो, बेझिझक होके खुल के आप मुझसे यहाँ पे बात कीजिएगा। दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि जो हमारी जिंदगी है ना, वो एक नाव के समान है। किस प्रकार से नाव बहुत ही आराम से चलती चली जाती है, जब पानी में बहुत एकदम पानी शांत होता है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती, तो नाव जो होती है बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे ही तूफान आ जाता है तो पानी के थप्पड़ों के साथ साथ नाव डगमगाने लग जाती है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। जब तक हमारे जीवन में सुख है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम आराम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आ जाती है, और ऐसे में अगर हम घबरा जाते हैं, तो हमें वही जीवन बहुत ही भारी लगने लग जाता है। हमें लगता है कि कैसे नहीं हम आगे किस प्रकार से बढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आप अटक से गए हैं, आप किसी प्रकार से आप जीवन में नहीं बढ़ पा रहे, कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आप मेरी मदद यहाँ पे ले सकते हैं। मैं इंदु आहूजा इस शो में आती हूँ इसी मकसद के साथ कि आपकी परेशानियों को मैं पूरी तरह से कम कर सकूँ। मैं आपको यहाँ पे जो भी जवाब दूंगी वो इस क्रिस्टल बॉल, पेंडुलम और वाटर गेजिंग के जरिए दूंगी। ये जो पद्धतियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन और पुरानी पद्धति है, और इन पद्धतियों का इस्तेमाल करने के लिए मैंने बहुत सालों से तपस्या की है। ये मेरी एकाग्रता है, तब जाके मुझे सब कुछ यहाँ पे पता चलता है, और उसी के अनुसार मैं आपको एकमात्र यहाँ पे उपाय बताऊंगी। मेरे उपाय बहुत ही आसान, सरल, सटीक, घरेलू और सबसे बड़ी बात सात्विक होंगे। सिर्फ इनको करने के लिए आपको धैर्य और विश्वास रखना होगा। आपका प्यार और विश्वास ही तो है जो इंदु आहूजा को बार बार इस शो में यहाँ पे ले आता है, जिसकी वजह से मेरी शक्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। मैं काफ़ी पद्धतियों का भी और भी ज्ञान रखती हूँ, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेंग शुई, रेकी हीलिंग, ऑरा हीलिंग, और इसके अलावा कलर थेरेपी। तो आप मेरे ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाएं। भविष्यफल सितारों से हल शो के साथ साथ एक सर्विस भी है, एक ऐसी सेवा जो तैयार की गई है आप ही के लिए, आपकी परेशानियों को पूरी तरह से कम करने के लिए। हमारी ये सेवा 365 डेज या 24 आवर्स 7 डेज अ वीक हमेशा ही चालू रहती है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत ही ज्ञानी है, वो तत्पर आपसे बात करने के लिए, और सारी बातें उन तक गोपनीय रहेंगी। बेझिझक होकर दिल खोल के कभी भी आप उनसे बात कर सकते हैं। पर अगर आप इंदु आहूजा से बात करना चाहें, तो ऐसे में अभी आपको पहल करनी होगी, और अपने मोबाइल से डायरेक्टली आपको डायल करना होगा 5664466। मुझे देखने वाली महिलाओं से भी मैं निवेदन करती हूँ, कोई भी परेशानी हो, बेझिझक होकर आप मुझसे यहाँ पे बात कीजिएगा। मैं भी एक औरत हूँ, आपकी तकलीफ को मैं जरूर समझूंगी, और आप बिल्कुल डरिएगा मत। मुझसे बात करने के लिए आपको किसी प्रकार से कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए आपका नाम, नहीं चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, नहीं चाहिए टाइम ऑफ बर्थ। चाहिए होगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सवाल, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे कॉल करेंगे, मैं पूरी तरह से आपकी आवाज़ पे ध्यान करूंगी। उसके बाद मैं आपकी आवाज़ से कनेक्ट हो जाऊंगी, और उसी के अनुसार मैं ध्यान करूंगी इस क्रिस्टल बॉल में। इस क्रिस्टल बॉल में मुझे हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। आपका बीता हुआ कल, आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका आज, आपके घर का वास्तु दोष, आपके ऊपर की कोई नेगेटिविटी, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ। मेरी पारखी नज़र आपकी परेशानी की जड़ तक यहाँ पे जाती है। तो किस बात का इंतज़ार, पहल करें, डायल करें एक नंबर 5664466। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को हमेशा पाकर ही रहते हैं। बस एक बार चलने का हौसला आप रखिएगा। आप जैसे मुसाफिर होकर रास्ता भी हमेशा इंतज़ार करते हैं, और ऐसे मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके यहाँ पे सवालों का। मुझे यहाँ पे किसी प्रकार से कोई डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है। इंदु आहूजा को चाहिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सवाल। अब चाहे सवाल आपका हो, या आपके रिश्तेदारों का हो, या आपके किसी भी करीब का हो, किसी के बारे में भी आप मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से आपकी आवाज़ पे ध्यान करूंगी, और उसी के अनुसार मैं ध्यान करूंगी इस क्रिस्टल बॉल में। मेरे उपाय बहुत ही आसान है और सरल है। सिर्फ इनको करने के लिए आपको विश्वास और धैर्य रखना होगा, क्योंकि जितना विश्वास और धैर्य के साथ आप मेरे उपाय अपनाएंगे, उतना ही परिवर्तन आप अपने जीवन में देख पाएंगे। तो कॉल्स का सिलसिला अभी शुरू होने जा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप होल्ड पे बने रहें, मैं अभी यहाँ पे बैक टू बैक कॉल्स लेने जा रही हूँ। जैसे ही आपका कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, इमीडिएटली आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, हम आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली बात करेंगे। तो चलिए, उसी के साथ मैं लेती हूँ आज का पहला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हेलो, मैं डेल्ही से बोल रही हूँ। हाँ जी, सवाल पूछिए।
एक्चुअली मेरी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत ज्यादा खराब है, मेरा डिवोर्स भी हो चुका है, तो मुझे पता करना है कि मैं अपने मतलब आगे की लाइफ अच्छी करने के लिए या जी, जी, मैं बता लिए मुझे क्या करना। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका आगे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फैमिली लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी होगी, इनफैक्ट आपकी मैरिज के चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ आप इस उपाय को कीजिएगा, परिवर्तन आ जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको क्या करना है, इस प्रकार से कपल स्टैचू लेके आना है। ये कपल का देखिए स्टैचू किसी भी प्रकार से आपको ये गिफ्ट शॉप पे इजीली मिल जाएगा, ये आप लेके आए और अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कोने में यानी कि जहां पे दक्षिण और पश्चिम का कोना मिलता है ऐसे कोने में आप इसको रख दीजिएगा, इससे परिवर्तन आ जाएगा। मैं सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। नमस्कार, मैं सुरेश भाई शाह बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरा सन प्रवस शाह है जी, वो ऑस्ट्रेलिया में पाँच छह साल से है, अभी उनकी पीआर की फाइल खुल गई है जी, मगर 5 महीना हो गया अभी उसका कोई जाम नहीं मिला है। मैं बता देती हूँ आपको, बिल्कुल फिक्र ना करें, ये भी धीरे धीरे आपकी समस्या देखिए दूर होती चली जाएगी। हालांकि इसके अलावा मुझे और भी दिक्कतें आपके जीवन में दिखाई दे रही है, पर आप बिल्कुल डरिएगा मत, जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ आप इसको किसी भी प्रकार से 8 शनिवार तक जरूर कीजिएगा। हालांकि इस बीच में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसके बावजूद 8 शनिवार तक आप इस उपाय को कम्प्लीट कीजिएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको इस प्रकार से छोटी सी सुरमे की डिब्बी लेके आनी है, ये है काला सुरमा, किसी भी पूजा की दुकान पे इजीली आपको मिल जाएगा, ये आप लेके आए। शनिवार वाले दिन जो पीपल का जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, उसके नीचे जमीन में गड्ढा करके आप इसको दबा के आ जाइएगा, हर शनिवार को कीजिएगा, परिवर्तन आता चला जाएगा। मैं सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हेलो मैम, नमस्कार, मैं रेणु तोमर बोल रही हूँ ईशा। जी रेणु जी, सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली हम अपने हस्बैंड का ना ट्रांसफर कराना सोच रहे हैं जी, तो मुझको ये जानना है कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा। मैं बता देती हूँ, देखिए मैं आपको सच से यहाँ पे वाकिफ कराना चाहती हूँ, हालांकि सच बहुत ही कड़वा होता है, यहाँ पे चांसेस मुझे कम ही नजर आ रहे हैं ट्रांसफर इनका नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ, आप इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा। अगर परिवर्तन आया तो 6 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, उसके बाद आप उम्मीद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वाकई में मुझे यहाँ पे चांसेस कम नजर आ रहे हैं। उपाय के रूप में देखिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा चमेली का तेल आपको लेना होगा, थोड़ा सा चमेली का तेल लेना होगा, ये हनुमान जी को अपने हस्बैंड से कहेगा कि जाके चढ़ा के हर मंगलवार को उनको ये उपाय करना होगा कंटिन्यू 6 महीने तक। विश यू ऑल द बेस्ट। दर्शकों देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो आप पीछे क्यों हैं, कि आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है, लेकिन मायने ये रखता है कि जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है या कोई परेशानी आती है तो उस वक्त आप उसका सामना किस प्रकार से करते हैं। समस्या का आप हमेशा डट के मुकाबला करें तो ही जाके आप विजय हो पाएंगे, लेकिन अगर आप यूं ही रोते रोते घर बैठ गए तो ऐसे में आपकी परेशानी और आप पे हावी होती चली जाएगी, और ऐसे में आपको लगेगा आप कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ चुके हैं और आप बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहे। क्या इस प्रकार से आप जीवन जी पाएंगे? इस प्रकार से जीवन नहीं जिया जाता, क्योंकि जीवन हमारा बहुत ही अनमोल है। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, आप अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, बेझिझक होकर आप मुझसे यहाँ पे बात कीजिएगा। एक फोन कॉल की दूरी पे आप अपने भविष्य से, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका आज अच्छा हो और आपका आने वाला कल भी अच्छा हो, तो मुझसे यहाँ पे खुल के जरूर बात कीजिएगा, मैं जरूर आपका पूरा पूरा साथ निभाऊंगी। हमारी किस्मत पत्थरों पर लिखी बिल्कुल भी लकीर नहीं है, वो बदली जरूर जा सकती है, लेकिन उसके लिए कोशिश आपको करनी होगी, पहल ऐसे में आपको करनी होगी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, अब थामने का काम आप ही को करना है। अपने मोबाइल से आपको डायरेक्टली डायल करना है 5664466, भविष्य फल सितारों सेल।
शो के साथ साथ एक सर्विस भी है, ये तैयार की गई है आप ही के लिए और आपकी परेशानियों को पूरी तरह से कम करने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ यूं देखते रह गए तो यूं ही आप देखते रह जाएंगे और इससे आपकी परेशानियां कम नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, उसके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं, उसके कर्म अलग होते हैं। किस प्रकार से अगर आपको मान लो कि एक कॉमन सा आपको सर्दी जुकाम या बुखार सा हो गया, कुछ दिन तक आप ये कोशिश करते हैं कि चलो घर में ही दवाइयां लेके या घरेलू इलाज करके आप ठीक हो जाए, लेकिन इनकेस अगर आप नहीं ठीक हो पाते तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर से एकदम से आपकी प्रॉब्लम सुन के आपको दवाई नहीं देता, वो अच्छी प्रकार से सारी हिस्ट्री आपकी लेता है, आपको देखता है, जांचता है, परखता है, उसके बाद ही कोई ना कोई आपको वो दवाई लिख के देता है। उसी प्रकार से हालांकि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन होगी, बहुत ही जनरल होगी, उसके बावजूद आपकी परेशानी की जड़ कारण कुछ और ही होगा। और वही जानने की कोशिश करती हूँ मैं इस क्रिस्टल बॉल के द्वारा, जो भी मुझे यहाँ पे पता चलेगा उस सच से मैं आपको जरूर वाकिफ कराऊंगी, भले वो सच कितना भी कड़वा क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे मैं ये तक जान सकती हूँ कि आपके बीते हुए कल में क्या हुआ, आपके आने वाले कल में क्या होगा, यहाँ तक कि आज आपके जीवन में जो परेशानी है आखिर उसका कारण क्या है, क्यों आपको इस समस्या का कारण आपको झेलना पड़ रहा है, और उसी के अनुसार मैं आपको एकमात्र उपाय बताऊंगी। तो दर्शकों इसी वक्त पहल करें, अपने मोबाइल से आप डायरेक्टली डायल करें 5664466। कोई भी समस्या हो मुझे यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपका नाम, नहीं चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, नहीं चाहिए कोई भी निजी जानकारी, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका सवाल। सवाल आपका होगा, हल आपको मैं दूंगी, जिंदगी आपकी है, मार्गदर्शन आपका मैं करूंगी, मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन फाइनली चलने का काम आप ही का होगा। तो ऐसे में वक्त निकलता चला जा रहा है और जो वक्त होता है वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। तो दर्शकों आप सिर्फ यूं ही देखिए मत, अभी मुझसे यहाँ पे बात करें, मैं 5 भाषाओं का भी ज्ञान रखती हूँ, हिंदी के अलावा इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और मराठी, इन 5 भाषाओं में भी आप मुझसे अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और परेशानी आपके जीवन के किसी भी रूप में हो सकती है। हो सकता है कि पैसा तो आप बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं लेकिन उसके बावजूद पैसे की बरकत नहीं हो पा रही है, कर्जा आपका दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, शादी आपकी नहीं हो रही है, बच्चे आपके पढ़ाई नहीं करते हैं, जॉब की कोई समस्या, आपको लव लाइफ में कोई समस्या आ रही है, समस्या एक नहीं अनेकों जीवन में हो सकती है, लेकिन हम इंसान ऐसे में उस समस्या से हमेशा घिरे हुए रहते हैं। क्या आप उसे निजात नहीं पाना चाहते? आप पाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो, तो मुझसे यहाँ पे अभी इसी वक्त बात कीजिएगा, मैं शो के माध्यम से हमेशा आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। जिस प्रकार से स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है एज इट इज आपको नंबर डायल करना है, किसी प्रकार से कोई एसटीडी कोड, एरिया कोड या जीरो लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो आप मुझसे यहाँ पे बात कर पाएंगे। तो उसी के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप होल्ड पे बने रहें, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हाँ जी, हम पटना से बोल रहे हैं। जी जी, सवाल पूछिए। मेरा नाम है बच्चन राय समकुरु। हाँ जी, सवाल बताइए। हाँ जी, सवाल पूछिए। हम पटना से बोल रहे हैं। जी जी, आप सवाल पूछिए। हम सरकारी नौकरी के लिए काफी दिन से परेशान हैं, प्रयास कर रहे हैं। जी, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए थोड़े से मुझे चांसेस तो यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक उपाय बताने जा रही हूँ, आप इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा, इससे परिवर्तन आ सकता है। देखिए आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है, इस प्रकार से एक त्रिशूल आपको लेके आना है, ये त्रिशूल इजीली किसी भी पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगा। फिर आप क्या करें, एक बेदाग नींबू ले लें, बेदाग नींबू ले लें, कामना करते हुए ये देखिए बीच के हिस्से में त्रिशूल में आधा नींबू आप दबा के इसको रख दीजिएगा, इसको पूजा स्थान पे आपको रखना होगा, हर 8 दिन में आपको नींबू चेंज करते चले जाना, इससे परिवर्तन आ जाएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। दर्शकों देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो आप पीछे मत रहिए, आज ये मौका आपके घर के पे चल के आया है, अगर ये निकल गया तो फिर कभी लौट के नहीं आएगा शायद। तो ऐसे में आप अभी इसी वक्त इस मौके का पूरी तरह से लाभ उठाएं, मैं अभी आपके सामने हूँ और पूरा 1 घंटा आपके साथ रहूंगी। अपने मोबाइल से आप डायरेक्टली डायल करें 5664466 और यही छोटा सा नंबर आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव लेके आ सकता है। दर्शकों कई बार ऐसे बगीचे में चले जाते हैं और जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कई कई बगीचे इतने सुंदर लगते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि ये बगीचा आखिर इतना सुंदर कैसे बन पाया?
क्योंकि वहाँ का जो माली होता है उसने बहुत ही अच्छे प्रकार से उस बगीचे की देखरेख की, अच्छे प्रकार से उन पौधों को सींचा, तब जाके वो बगीचा इतना सुंदर बन पाया। और ऐसे में कई बार हमारा मन भी शांत हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पे बैठे रहें। इसी प्रकार से हमारा ये जीवन भी है। हम इंसानों की जिंदगी में तकलीफें आती रहेगी, ये आपको मान के चलना होगा, लेकिन ऐसे में आप अपनी परेशानी से कैसे जूझते ये अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पहले से घबरा गए, आपने पहले से मान लिया कि भैया ये परेशानी बड़ी है, मैं इसे जूझ नहीं पाऊंगा, तो वाकई में आप उसे जूझ नहीं पाएंगे, परेशानियां आप पे पूरी तरह से हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों का डट के मुकाबला करते हैं, अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और धैर्य के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे में आप सफल जरूर हो पाएंगे। और ऐसे वक्त मैं इंदु आहूजा इस शो के माध्यम से हमेशा आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। ये शो और सर्विस आप ही के लिए है, आप ही के लिए तैयार की गई है, और आप इस सर्विस का कभी भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप यूं ही देखते रह गए तो आप यूं ही देखते रह चले जाएंगे। क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं चाहते? सुख शांति समाधान क्या आप नहीं चाहते? आप चाहते हैं ना, तो ऐसे में सही वक्त पे आप पहल करें। डायल करें एक नंबर 5664466। एक बात आप हमेशा याद रखेगा, हम अपने आप से भाग सकते हैं पर अपनी किस्मत से हम नहीं भाग सकते। और ऐसे में आप ही को अपनी परेशानी से जूझना होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन फाइनली चलने का काम आप ही को करना होगा। मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक जरिया हूँ, मैं आपको यहाँ पे उपाय तो बता सकती हूँ, लेकिन मेरे उपाय आप जितना अपने जीवन में धैर्य के साथ और विश्वास के साथ अपनाएंगे, उतना ही परिवर्तन आप अपने जीवन में देख पाएंगे। इंदु आहूजा खड़ी है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में। तो दर्शकों, इसी वक्त पहल करें और मुझसे यहाँ पे बात करें अपने मोबाइल से। आप डायरेक्टली डायल करें 5664466। ये मेरी कई सालों की तपस्या है, पूजा है, आराधना है, तब जाके मैं सारी पद्धतियों का इस्तेमाल कर पाती हूँ। जो भी मुझे यहाँ पे सच दिखाई देगा, उस सच से मैं आपको जरूर वाकिफ कराऊंगी, भले वो सच कितना भी कड़वा क्यों नहीं हो, क्योंकि मेरे जीवन का मकसद ही है कि आपके जीवन की परेशानियों को पूरी तरह से कम करना। एक फोन कॉल आपके जीवन में बदलाव लेके आ सकता है और आपकी परेशानियों को पूरी तरह से कम कर सकता है। मैं बार बार यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर आप से भी देखते रह गए तो उससे आपकी परेशानियां कम नहीं होगी। मुझे देखने वाली महिलाओं से मैं फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि कोई भी परेशानी हो, बेझिझक हो कि आप मुझसे बात करें। कितने सालों तक आप यूं ही अंदर घुटती चली जाएंगी? क्या इस प्रकार से आप जीवन व्यतीत कर पाएंगे? इस प्रकार से आप जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि अगर आज आप दुखी हैं तो आपको देख के साथ ही साथ आपके रिश्तेदार भी दुखी हो जाएंगे, तो साफ पूरा के पूरा सब परिवार पर भी इसका असर पड़ता है। तो ऐसे में आप मुझसे यहाँ पे बात किए, सही वक्त पे पहल करें, डायल कर एक नंबर 5664466। उसी के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप होल पे बने रहें, मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हाँ जी मैडम, मैं अरुण बोल रहा हूँ पटियाला से। हाँ जी, मैं पूछना चाहता था कि मुझे थोड़ी फाइनेंशियल कमी महसूस होती है और थोड़ी टेंशन रहती है। जी मैं बता देती हूँ, देखिए एट प्रेजेंट तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं दे रहे। दूसरी बात, आपके घर में बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाए, हद से ज्यादा आपके घर में नेगेटिविटी, आपके घर में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करी है, आप उनको ठीक करवा लीजिए। उसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ, आप इस उपाय को कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा, परिवर्तन जरूर आ जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, एक यंत्र बनाना होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एक सादा नॉर्मल आप सफेद पेपर ले लीजिए, इस प्रकार से आपको एक यंत्र बनाना है। उसमें आप 9 खाने बना लीजिए, रेड पेन ले लीजिएगा, लाल कलर की पेन आपको लेनी होगी, उससे फर्स्ट लाइन पे आप लिखिएगा 618, सेकंड लाइन पे 753, थर्ड लाइन पे 294। इस प्रकार से आप यंत्र को बना लीजिए। इस यंत्र की स्थापना या तो आप अपने घर के पूजा स्थान पे कर लीजिएगा या अपने वॉलेट में डाल के रख लीजिएगा, इससे परिवर्तन आ जाएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं से बोल रही हूँ कि मेरे बेटे के पैसों की बहुत तंगी आ रही है, क्या है उसका, क्या क्या नहीं है, एक साल हो गई बहुत परेशान हो रहा है, कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहे उसके। जी जी मैं बता देती हूँ आपको,
वाकई में समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरे को दिखाई दे रही है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, 6 महीने के बाद आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, आपको उपाय के रूप में बहुत ही आसान सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, थोड़े से मीठे चावल आपको लेने हैं। इस मीठे चावल का दान आपको करना होगा शुक्रवार को, 7 शुक्रवार तक आप इस उपाय को कीजिएगा। कितना भी दे सकते हैं, कितनों को भी दे सकते, लेकिन हाँ, मीठे चावल का दान आपको शुक्रवार को करना होगा, इससे परिवर्तन आ जाएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल पूछिए जी। मेरे पापा जी हैं। हाँ जी। जो मेरे पापा जी, जी उनकी उम्र 58 वर्ष है जी। हाँ, उनकी समस्या क्या है बताइए मुझे जी। वो कल ने तो हार्ट प्रॉब्लम थी जी उनको। ओ हेलो जी 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 जी, मैं बता देती हूँ। देखिए, मैं आपके दर्द, आपकी समस्या यहाँ पे बखूबी समझ पा रही हूँ। आपके पिताजी को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर आप बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, काफी हद तक देखिए परिवर्तन आ जाएगा, धीरे धीरे आप परिस्थिति सुधरती चली जाएगी। डॉक्टरी इलाज आपको चालू रखना है, क्योंकि वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। खाने पीने का इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके अलावा जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, आप इस उपाय को कीजिएगा, परिवर्तन आप देख पाएंगे। आपको क्या करना है, जब भी अमावस्या आएगी तो अमावस्या वाले रात वाले दिन आपको क्या करना होगा, एक स्टील का ग्लास ले लीजिए। स्टील के ग्लास में आप पानी भर लीजिए, उसके बाद उसमें जो पीपल का जो पेड़ होता है उसकी एक टहनी, वो आप पानी के अंदर डाल दीजिए। स्टील का ग्लास, उसमें पानी, उसमें पीपल के पेड़ का एक टहनी आपको उसमें डालना होगा। क्या करें, अपने पिताजी के सिरहाने कहीं पे भी आसपास, जब वो रात को सोएंगे तो उनके सिरहाने टेबल पे कहीं पे भी आसपास उस पानी के ग्लास को आप रख दीजिएगा। दूसरे दिन वो आपको पानी लेना होगा और पीपल के पेड़ के नीचे वापस जाके छोड़ के आना होगा उस टहनी समेत। ये आपको हर अमावस्या तक ये उपाय करते चले जाना है, परिवर्तन आता चला जाएगा। मिसाई शुभकामनाएं आपके साथ है। दर्शकों, वक्त निकलता चला जा रहा है और लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप पीछे क्यों हैं, कि आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं है? आपकी परेशानी कोई भी हो, बेझिझक होकर आप मुझसे यहाँ पे बात कीजिएगा। मैं 5 भाषाओं का भी ज्ञान रखती हूँ, हिंदी के अलावा इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और मराठी। इन 5 भाषाओं में भी आप मुझसे कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा जो भी जवाब होगा वो हिंदी में होगा। एक बात आप हमेशा जीवन में याद रखिएगा, कामयाबी पाने का रास्ता कभी भी शाही नहीं होता, पर एक बार अगर आप कामयाब जिंदगी में बन गए तो वो रास्ता शाही जरूर बन जाता है। लगन से आप मेहनत जिंदगी में कीजिएगा। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, विजय हमेशा उन्हीं की होती है, लेकिन सच्चाई का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। बहुत पत्थर ऐसे में आते हैं, कांटे भी आते हैं, लेकिन उसे लांग के वे आपको आगे बढ़ते ही चले जाना है, और ऐसे में आप बिल्कुल अकेले नहीं है। मैं इंदु आहूजा शो के माध्यम से हमेशा आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। मेरे जीवन का मकसद ही है आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करना, लेकिन जब तक आपकी आवाज़, आपका सवाल मुझ तक यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, मैं आपकी मदद यहाँ पे किस प्रकार से कर पाऊंगी? आप ये भी तो सोचिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से आपको डायरेक्टली डायल करना है 5664466। भविष्य फल सितारों से हल शो के साथ साथ एके सर्विस भी है, और हमारी ये सेवा हमेशा ही चालू रहती है सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। 365 डेज है, 24 hours 7 days a week कभी भी आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ही ज्ञानी है, वो तत्पर आपसे बात करने के लिए, और सारी बातें उन तक ही सीमित रहेंगी। बेझिझक होकर दिल खोल के कभी भी आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुझसे बात करनी है तो ऐसे में अभी आपको पहल करनी होगी। अपने मोबाइल से आपको डायरेक्टली डायल करना होगा 5664466। आपका प्यार और विश्वास ही तो है जो इंदु आहूजा को बार बार इस मंच पे यहाँ पे ले आता है, जिसकी वजह से मेरी शक्ति और दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे जो भी जवाब दे रही हूँ वो इस क्रिस्टल बॉल और पेंडुलम की मदद से दे रही हूँ। इसके अलावा जो पद्धतियों का मैं ज्ञान रखती हूँ वो है वाटर गेजिंग, फायर गेजिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेंग शुई, रेकी हीलिंग, ऑरा क्लीनिंग, और इसके अलावा कलर थेरेपी। और आप मेरे इस ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं एक फोन कॉल की दूरी पे आप अपने भविष्य से। अगर आप जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो पहल ऐसे में आप ही को करनी होगी। उठाइए अपना मोबाइल फोन और इसी वक्त आप डायरेक्टली डायल करें 5666446666। से भी हुए देखते रहने से आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। मैं फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि आप होल पे भी बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करूँ।
जैसे आपका कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाए इमीडिएटली आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, हम एक दूसरे से यहाँ पे डायरेक्टली बात करते हैं। मुझे यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है। इंदु आहूजा को चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका सवाल। आप किसी के बारे में भी मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हैं, चाहे फिर आपके वो दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके चाहने वाले हो या कोई भी आपके करीबी हो, किसी के बारे में भी आप मुझसे यहाँ पे बात कर पाएंगे। जिस प्रकार से स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, एज इट इज आपको नंबर डायल करना है। किसी प्रकार से कोई एसटीडी कोड, एरिया कोड या 022 बिल्कुल आपको लगाने की जरूरत नहीं। ये नंबर आपको डायरेक्टली लगाना है जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये नंबर आपको मोबाइल फोन से ही लगाना होगा, और उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे मुझसे सवाल पूछना है। तो उसी के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप होल्ड पे बने रहें, मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। मैं बता देती हूँ आपको, देखिए बिल्कुल भी आप अपने मन से डर निकाल दीजिए, किसी प्रकार से कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ, बस एक मात्रा आप ये उपाय कीजिएगा, देखिए किस प्रकार से जीवन की सारी परेशानियां आपकी दूर होती चली जाएगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से एक यंत्र बनाना होगा। आप क्या करें, एक कोरा कागज ले लें, उस पर इस प्रकार से आप ये कछुआ बना लें। देखिए कछुआ बना हुआ है, उसमें 9 खाने आप ये बना लीजिए। फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है 492, सेकेंड लाइन में 357, थर्ड लाइन में 816। इस यंत्र को आप बना लीजिए, अपने घर के पूजा स्थान पे आप इसकी स्थापना कर लीजिएगा, परिवर्तन आ जाएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नशे को देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, वो मेरे ज्ञान का यहाँ पे लाभ भी उठा रहे हैं, तो आप सिर्फ यूँ ही देखते रहेंगे, यूँ ही देखते रहने से आपकी परेशानियां कम नहीं होगी। देखिए हर इंसान अलग होता है, उसके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं, उसके कर्म अलग होते हैं, और आपकी आवाज, आपका सवाल यहाँ तक पहुँचना बहुत ही जरूरी है। दर्शकों आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें भी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती है। अब ऐसे में अगर आपको ऊंचे फ्लोर पे जाना है या टॉप फ्लोर पे या किसी ऊंचे मंजिल पे आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे में आप लिफ्ट का सहारा लेंगे। लेकिन अगर ऐसे में लिफ्ट काम नहीं करेगी तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है सीढ़ियाँ। सीढ़ियों से धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये जीवन है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो परेशानी आती है वो होती बहुत ही छोटी है, लेकिन हमें पहले से मान लेते हैं कि भैया ये परेशानी बड़ी है और उसकी वजह से हम उसका सामना नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप धैर्य से अपनी परेशानी से जूझते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ऐसे में फाइनली आप अपनी मंजिल को जरूर पा लेते हैं। लेकिन कई बार फिर भी हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। हम समझ नहीं पाते कि ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी बाधा है जो हमारे रास्ते में आ रही है। तब आप मेरी मदद यहाँ पे ले सकते हैं। इस शो के माध्यम से मैं हमेशा आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। उठाइए अपना मोबाइल फोन और इसी वक्त आप डायल करें 566-4466। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब सुख का एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा ऐसे में जरूर खुलता है। लेकिन हम इंसानों की फितरत है कि हम बंद दरवाजे की तरफ ही हमेशा देखते चले जाते हैं। हम हमेशा हमारी सोच नेगेटिव रखते हैं। आप जो सोच रखेंगे उसी प्रकार से आपके कदम आगे बढ़ेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी राहें भी नेगेटिव बनती चली जाएगी। क्या आप यही चाहते हैं? ऐसा आप नहीं चाहते ना, आप चाहते ना कि आपके जीवन की सारी परेशानियां पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो मुझसे आप बात जरूर कीजिएगा। एक फोन कॉल की दूरी पे आप अपने भविष्य से, अगर आप वाकई में चाहते कि आपका आज अच्छा हो और आपका आने वाला कल भी अच्छा हो, तो इस वक्त पहल करके मुझसे जरूर बात कीजिएगा। मैं इंदु आहूजा शो के माध्यम से हमेशा आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। ये शो और सर्विस आप ही के लिए तैयार की गई है। हमारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हैं, वो तत्पर है आपसे बात करने के लिए, और सारी बातें उन तक गोपनीय रहेंगी। बेझिझक होकर दिल खोल के कभी भी आप उनसे बात कर सकते हैं। पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त आपको पहल करनी होगी। अपने मोबाइल से आपको डायरेक्टली डायल करना होगा 566-4466। मैं 5 भाषाओं का भी ज्ञान रखती हूँ, हिंदी के अलावा इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और मराठी। इन 5 भाषाओं में भी आप मुझसे अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा जो भी जवाब होगा वो हिंदी में होगा। मैं फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि आप होल्ड पे बने रहें, मैं यहाँ पे बैक टू बैक कॉल्स लेने जा रही हूँ। जैसे आपका कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाए इमीडिएटली आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, हम आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली बात करेंगे। तो मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। मैं शेयर के बारे में पूछना चाह रहा था, पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ जी। बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है मेरे को,
ओ जी मैं बता देती हूँ, देखिए बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा, 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाएगा जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ। बस आप इस उपाय को कीजिएगा। आपको क्या करना है, एक कांच का कटोरा लेना, छोटा सा आप एक कांच का कटोरा ले ले, उसके अंदर आप एक सिंगल चांदी का सिक्का डाल दें, गोल्ड चांदी का सिक्का आप सिंगल डाल दीजिए, फिर उसको पानी से भर दीजिए। इस कटोरे को आप पूरे घर के या कोई भी पर्टिकुलर कमरे की उत्तर की दीवार पे यानी कि नॉर्थ की दिशा में आप इसको रख दीजिए। रोज आपको पानी चेंज करना होगा, पुराना पानी आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा। कामना करते हुए आप ये रोज कीजिएगा, धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हेलो हेलो, आप टीवी का वॉल्यूम कम करें, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी सवाल पूछिए जी, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं? हेलो, आप तो घर से डायरेक्ट बात होगी, हो तो रही जी, आप मुझसे डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं, मैं इंदु आहूजा ही बोल रही हूँ, कहिए सवाल पूछिए। हेलो हेलो, चौर से कर रहे हैं बात। हाँ जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। हेलो, हाँ जी कहिए। हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना था जी। हेलो, हाँ हाँ, आपकी बेटी की क्या समस्या है बताइए। बेटी के लिए पूछना था, उसकी जॉब दूर है बहुत, वो परेशान है और कब जी जी मैं बता देती हूँ, बता देती हूँ। बिल्कुल फिक्र न करें, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी बेटी को जॉब मिल जाएगी। उपाय के रूप में उनको क्या करना होगा, देखिए वो क्या करे, एक लाल कपड़ा ले ले, उस लाल कपड़े के अंदर एक छोटा सा तांबे का टुकड़ा या तांबे का सिक्का भी मिल जाता है, वो उनको कहिएगा उसमें डाल दे, कुछ दाने केसर के डाल दे, उस कपड़े को बांध दे और हमेशा अपने पर्स में डाल के रखे, इससे परिवर्तन आ जाएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। दर्शकों, वक्त निकलता चला जा रहा है और जो वक्त होता है वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, ना ही वो इंदु आहूजा के लिए रुकेगा, ना ही वो आपके लिए रुकेगा, तो किस बात का इंतजार, इसी वक्त पहल करें, मुझसे यहाँ पे बात करें, मैं हर सवाल का आपको यहाँ पे जवाब दूंगी। दोस्तों, क्या आपने भगवान को देखा है? नहीं, आपने नहीं देखा है, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है जो वाकई में हमारी मदद करती है। इसलिए तो बच्चे जब परीक्षा के लिए जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब भी आप भगवान को याद करते हैं, या जो भी आप अच्छा कार्य करने जाते हैं तो उस वक्त आप भगवान को जरूर याद करते हैं और ये कामना करते हैं कि जो भी मैं कार्य करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। ऐसे में आपको ये विश्वास होता है पूरी तरह से कि वो भगवान आपके परेशानी के वक्त पूरी तरह से हमारा साथ देगा। वही विश्वास की जरूरत हमें भी यहाँ पे, मैं आपसे ये नहीं कहती कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक जरिया हूँ जो आपको बता सकती हूँ कि आपको करना क्या है, लेकिन फाइनली मेरे उपाय आप अपने जीवन में जितना विश्वास और धैर्य के साथ अपनाएंगे उतना ही परिवर्तन आप अपने जीवन में देख पाएंगे। दुख बांटने से हमेशा कम ही होता है, आपका दुख आपकी परेशानी आप मेरे साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उठाइए अपना मोबाइल फोन और इसी वक्त आप डायल करें 5664466। ये शो और सर्विस आप ही के लिए तैयार की गई है, आपके परेशानियों को पूरी तरह से कम करने के लिए। लेकिन अगर आप यूं ही देखते रह गए तो उससे आपकी परेशानियां कम नहीं होगी। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि हर इंसान अलग होता है, उसके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं, उसके कर्म अलग होते हैं, और जब तक आपकी आवाज़ आपका सवाल मुझ तक यहाँ पे नहीं पहुंचेगा मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी आवाज के साथ कनेक्ट करती हूँ और उसी के अनुसार मैं ध्यान करती हूँ इस क्रिस्टल बॉल में। जो भी मुझे सच यहाँ पे पता चलेगा उससे मैं आपको वाकिफ जरूर कराऊंगी, मैं आपको झूठी उम्मीद यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो किस बात का इंतजार, दर्शकों इसी वक्त अपने मोबाइल से आप डायरेक्टली डायल करें 5664466। ये नंबर आपको डायरेक्टली डायल करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार से कोई एसटीडी कोड, एरिया कोड या 0 लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपसे पहले भी कहा था, मैं 5 भाषाओं का भी ज्ञान रखती हूँ, हिंदी के अलावा इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी। इन 5 भाषाओं में आप मुझसे अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा जो भी जवाब होगा वो हिंदी में होगा। लेकिन हाँ, मुझसे बात करने के लिए आपको किसी प्रकार से कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका सवाल। मैं फिर से एक बार आपसे कहती हूँ कि सवाल आपका होगा, हल आपको मैं दूंगी, जिंदगी आपकी है, मार्गदर्शन आपका मैं करूंगी,
राह मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन चलने का काम आप ही को करना होगा। जो विश्वास आपके आपके भगवान के ऊपर है, उसी विश्वास के साथ आप यहाँ पे मुझसे बात भी कीजिएगा, यहाँ पे कॉल भी कीजिएगा। मैं मानती हूँ कि होल पे बने रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तकलीफजनक होता है, लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करूँ। अगर मैं यहाँ पे किससे बात करूँ, हो सकता है कि अगले कॉलर वो आप ही हूँ, कभी भी आपका कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। जैसे ही आपका कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली बात करेंगे। तो उसी के साथ मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, नमस्ते। जी नमस्ते, सवाल पूछिए। मैम मेरी शादी को लगभग कोई 10 साल हो गए हैं जी, और मेरे को कोई कॉल आती है लेडीज की, और जो मेरी मिसेज के बारे में बड़ी बदतमीजी बातें करती है। और मुझे ऐसी बात नहीं, मुझे विश्वास है अपनी मिसेज पे, और मेरे मिसेज पार्लर का काम करती है, और वो क्या चाहती है ये समझ नहीं आ रही मेरे को। जी, वो कौन है? देखिए, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा भरोसा, आपने मुझसे यहाँ पे सवाल पूछा ताकि आपके पूरी तरह से वो जो 1% है वो भी पूरी तरह से आपका शक निकल जाए। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूँ, वो जो भी लेडी वो कह रही है, सब कुछ वो गलत कर रही है, क्योंकि वो पूरी तरह से वो आपको पूरी तरह से अलग करना चाहती है। दुश्मनी का यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बात नज़र आ रही है। ऐसे में आप पुलिस में कंप्लेंट करवा दीजिए, वो बहुत ज़्यादा मस्ट है, और उसको बिल्कुल भी आप उसकी बात ही मत सुनिए। सबसे पहली बात तो जब भी वो कॉल करें ना, आप वो कॉल ही डिस्कनेक्ट करें। आप उसकी बात भी क्यों सुनते हैं? आप उसकी बात भी बिल्कुल ना सुने। आप ये सुने, उसे साफ साफ कह दीजिएगा कि मुझे बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुननी, अगर आइंदा तू यहाँ पे फोन करेगी तो मैं सीधे से पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। इस प्रकार से आपको धमकी देके कड़क होकर उससे बात करना होगा, तभी जाके ये बात की यहाँ पे पूरी तरह से समाप्ति होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हाँ जी, जी मैं श्वेता बोल रही हूँ हिसार से। हाँ जी, हाँ जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी को 2.25 साल हो गए हैं, और अभी तक भी मैंने कंसीव नहीं किया है। जी मैं आपको बता देती हूँ, जी बता देती हूँ। देखिए, किसी प्रकार से मुझे कोई बाधा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ ये है कि आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है। जितना आप स्ट्रेस लेंगे, जितना उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही डिले होता चला जाएगा। फिर भी आप डॉक्टरी इलाज अपना चालू रखिएगा। उसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ, आप ये कीजिएगा, सांझ होने के बाद दूध या दूध से कोई भी बनी हुई चीज़ का आप सेवन नहीं कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये कीजिएगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे टेबल पे देख रहे हैं, एक हाथी यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी सूंड ऊपर की तरफ है। ऐसे आप जोड़ी में दो हाथी आप ले लीजिएगा। दो हाथी आपको लेने होंगे जिसकी सूंड ऊपर की तरफ होगी। ये किसी भी गिफ्ट शॉप पर आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये आप ले लें, और क्या करें, अपने बेडरूम के अंदर ये दोनों हाथियों को दरवाजे के साइड में रख दे। यानी कि एक हाथी इस तरफ होगा, दूसरा हाथी इस तरफ होगा। जब आप एंटर करें तो सामने से आपको दोनों हाथी दिखाई देने चाहिए, इनका चेहरा बाहर की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आप इनकी स्थापना कीजिएगा, परिवर्तन आ जाएगा। मिसाई शुभकामनाएं आपके साथ है। वक्त निकलता चला जा रहा है, और जो वक्त होता है वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, तो किस बात का इंतजार? इसी वक्त पहल करें, मुझसे यहाँ पे बात करें, मैं हर सवाल का आपको यहाँ पे जवाब दूंगी। कोई भी परेशानी हो, बेझिझक होकर आप मुझसे बात कीजिएगा। दर्शकों, जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं या कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, तो उसके बाद हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे समाप्त हो गया। उस समाप्त होने के बाद हम वहाँ से एक और नए सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। बस उसी प्रकार से हमारा ये जीवन है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती, तो आप ये ना मान लें कि ये परेशानी लॉन्ग टर्म तक जाएगी या कभी खत्म ही नहीं होगी। ऐसे नहीं है। आज दुख है तो कल सुख भी आपके जीवन में जरूर आएगा। अगर आज आपके जीवन में सवाल है तो उसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो ढूंढने की कोशिश ऐसे में आपको करनी होगी, पहल आपको करनी होगी, तो ही जाके आप जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे। तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, और इसी वक्त आप डायल करें 5-6-6-4-4-6-6। मेरे उपाय बहुत ही आसान, सरल और सटीक हैं। सिर्फ इनको करने के लिए आपको धैर्य और विश्वास रखना होगा। फिर धीरे धीरे करके सारी परेशानी आपकी दूर होती चली जाएगी। और मुझसे बात करने के लिए आपको करना है एक ही काम, अपने मोबाइल से आपको डायरेक्टली डायल करना है 5-6-6-4-4-6-6। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी वन वे रोड के समान होती है, जहाँ से हम पीछे मुड़ के देख जरूर सकते हैं, लेकिन हम उस रोड पे वापस बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसलिए हमें पूरी तरह से आगे निरंतर बढ़ते चले जाना है। कितनी भी आपके जीवन में परेशानी क्यों ना आए,
ऐसे में आपको डट के मुकाबला करना होगा। और ऐसे वक्त मैं इंदु आहूजा इस शो के माध्यम से हमेशा आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। एक फोन कॉल की दूरी पे आप अपने भविष्य से, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका आज अच्छा हो और आपका आने वाला कल भी अच्छा हो, तो पहल करके मुझसे आप जरूर बात कीजिएगा। भविष्य फल सितारों से हल शो के साथ साथ एके सर्विस भी है, एक ऐसी सेवा जो तैयार की गई है आप ही के लिए और आपकी परेशानियों को पूरी तरह से कम करने के लिए। आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी आपको लगे कि अचानक से कोई परेशानी आ गई, तो बस उठाइए अपना मोबाइल फोन, डायरेक्टली आप डायल करें 566-4466। ये नंबर पे कॉल करने के बाद आप हमारे किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। वो बहुत ही ज्ञानी है, वो तत्पर है आपसे बात करने के लिए और सारी बातें उन तक ही सीमित रहेंगी। पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऐसे में अभी आपको पहल करनी होगी और मुझसे यहाँ पे बात करनी होगी। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप होल्ड पे बने रहें, मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी मेरी मतलब गांव में दुकान है गोल्ड की, सोने चांदी की। हाँ जी। मेरे को वहाँ पर 9 साल हो गए जी। हाँ। वहाँ पर मेरा काम भी ठीक है जी, सब कुछ ठीक है, पर मेरे पास पैसा नहीं रहता जी और ना ही कोई अच्छा घर बनाया जी अब तक। जी जी जी, मैं आपको बता देती हूँ। धीरे धीरे करके आपकी सारी परेशानियां दूर होती चली जाएगी, आपका घर तो जरूर बनेगा, लेकिन घर बनने में अभी भी 2 साल का समय मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके पहले चांसेस मुझे थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। आपका काम बढ़िया चलेगा, उसके अलावा पैसे की बरकत भी होने लग जाएगी। जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ, कंटिन्यू आप इस उपाय को 21 दिन तक कीजिएगा, इससे परिवर्तन आता चला जाएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मीठा जल लेना है, यानी कि पानी में थोड़ी सी आपको चीनी मिला देनी है तो उसे मीठा जल तैयार हो जाएगा। ये मीठा जल आपको क्या करना होगा, पीपल के वृक्ष में थोड़ा चढ़ाना होगा, थोड़ा सा आपको तुलसी के पौधे में चढ़ाना होगा, पीपल के पेड़ में और तुलसी के पौधे में, ये रोज आपको थोड़ा सा दोनों में चढ़ाना होगा। कामना करते हुए 21 दिन तक आप इस उपाय को कीजिएगा, परिवर्तन आता चला जाएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं इंदु आहूजा अभी यहाँ पे बैठी और आपके हर सवाल का आपको यहाँ पे जवाब दे दूँ। परेशानी आपके जीवन की किसी भी रूप में हो सकती है, खुल के आप मुझसे यहाँ पे बात करें। हो सकता है कि पैसे की बिल्कुल भी बरकत नहीं हो पा रही है, कर्जा आपका दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला आपका चल रहा है, बच्चे आपके पढ़ाई नहीं करते, जॉब की कोई समस्या है, आप विदेश जाना चाहते हैं पर आप जा नहीं पा रहे, कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है, आपको लगता है किसी ने बहुत बुरी तरह से ब्लैक मैजिक आप पे इस्तेमाल किया हुआ है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, पार्टनरशिप में कोई तकलीफ है, आपको रात को डरावने डरावने सपने आते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप बेचैनी से महसूस करते हैं, ये एन वक्त पे आपके काम पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं या आप कई बार समझ ही नहीं पाते आखिर काम आपके क्यों नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में आप मेरी मदद यहाँ पे ले सकते हैं। उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन और इसी वक्त आप डायल करें 566-4466। एक बात आप हमेशा याद रखेगा, बदलाव जिंदगी का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। हर एक इंसान के जीवन में बदलाव जरूर होता रहता है, लेकिन बदलाव का सामना आप किस प्रकार से करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो ऐसे में आपकी राहें उसी प्रकार से बनती चली जाएगी। क्या आप यही चाहते हैं अपने साथ, ऐसा आप नहीं चाहते ना, आप चाहते ना कि आपके जीवन की सारी समस्या पूरी तरह से दूर हो जाए, तो मुझसे यहाँ पे बात जरूर कीजिएगा। इस शो के माध्यम से मैं इंदु आहूजा हमेशा आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। ये शो और सर्विस आप ही के लिए तैयार की गई है, सिर्फ आप ही देखिए मत, सिर्फ ही सुनिए मत, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपकी आवाज आपका सवाल यहाँ तक पहुँचना बहुत ही जरूरी है। और हमेशा आप याद रखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है। तो जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो बस आप उसका डट के मुकाबला करें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, जितना विल पावर आप अपना स्ट्रांग रखेंगे उतना ही आगे आप बढ़ पाएंगे। तो एक फोन कॉल की दूरी पे आप अपने भविष्य से, इसी वक्त अपने मोबाइल से आप डायरेक्टली डायल करें 566-4466। उसी के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप होल्ड पे बने रहें, मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पूछना है जी। मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशन और पैसों के बारे में, हमारा सपना है कि अपना घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, हो सकता है क्या? मैं जरूर बताऊंगी आपको।
क्यों नहीं हो सकता है, जाचा वारा वेर देर इज अ विल देर इज अ वे, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे होगा। मैं ये नहीं कहती कि एक साथ सब कुछ मिलेगा आपको, धीरे धीरे आपके जीवन में सारी चीज़ें आप पाते चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ, आप इस उपाय को कीजिएगा, परिवर्तन आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस प्रकार से आप एक श्री यंत्र लेके आए। ये श्री यंत्र स्फटिक का ही बना हुआ होना चाहिए, क्रिस्टल का बना हुआ होना चाहिए, कांच का नहीं। ये किसी भी पूजा की दुकान पे या जौहरी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। कम से कम 20 से 25 ग्राम का ये होना चाहिए। इसको आप लेके आए, शुक्रवार वाले दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पे इसकी स्थापना कर लीजिएगा। रोज नॉर्मल पूजा कीजिएगा, परिवर्तन आता चला जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। दर्शकों, वक्त निकलता चला जा रहा है और जो वक्त होता है वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, तो किस बात का इंतजार। इसी वक्त पहल करें, अपने मोबाइल से आप डायल करें 5-6-6-4-4-6-6। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, झूठ और सच्चाई का हमेशा एक दायरा होता है और हमने उस दायरे को बांध के रखने की पूरी पूरी कोशिश भी की है। ये कारवा है जो शुरू किया गया है आप ही के लिए और आपके दुख को पूरी तरह से कम करने के लिए। लेकिन अगर आप ही हमसे यहाँ पे बात नहीं करेंगे, कॉल यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हम आपकी मदद यहाँ पे किस प्रकार से कर पाएंगे। उठाइए अपना मोबाइल फोन और डायल करें 5666-4466। जिस प्रकार से स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, एज इट इज आपको ये नंबर डायल करना होगा अपने मोबाइल फोन से। किसी प्रकार से कोई एसटीडी कोड, एरिया कोड या जीरो लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं 5 भाषाओं का भी ज्ञान रखती हूँ, हिंदी के अलावा इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और मराठी। इन 5 भाषाओं में भी आप मुझसे अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मुझे यहाँ पे किसी प्रकार से कोई डिटेल्स की आवश्यकता नहीं। मुझे नहीं चाहिए आपका नाम, नहीं चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, नहीं चाहिए टाइम ऑफ बर्थ, नहीं चाहिए कोई भी निजी जानकारी। चाहिए होगा तो सिर्फ आपका सवाल। तो उसी के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप होल्ड पे बने रहें, मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते, सवाल पूछिए। मैं महबूब शेख बोल रहा हूँ जी। मैम मेरे को जरा प्रॉब्लम है सर, मेरे को मैडम ये काम नहीं लग रहा है और घर में झगड़े होते हैं। ओ जी, मैं बता देती हूँ। देखिए, आपके घर में बहुत ज़्यादा हानिकारक ऊर्जा, हद से ज़्यादा आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में वास्तु दोष भी है, इस वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ, आप इस उपाय को कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करें, एक चांदी की पतली सी वायर ले लें, चांदी की पतली सी वायर ले लें और आपके घर का जो मेन दरवाजे की जो चौखट है उसके नीचे आप उस वायर को डलवा दीजिए। पहले तो आप ये कीजिएगा। दूसरा उपाय आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक कांच का कटोरा आप ले लें, उसके अंदर एक कच्चे कोयले का टुकड़ा डाल दें। एक कांच का कटोरा, उसमें कच्चे कोयले का टुकड़ा, उसके अंदर थोड़ा सा मोटा नमक, ये भर के कामना करते हुए कहीं पे भी आप पूरे घर में इसको छुपा के रख दीजिएगा। हर महीने आपको कोयला और मोटा नमक चेंज करते चले जाना है, इससे सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। मैं सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। भविष्य फल सितारों से हल शो के साथ साथ एक सर्विस भी है और हमारी ये सेवा 365 days a year, 24 hours, 7 days a week हमेशा ही चालू रहती है और कभी भी आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत ही ज्ञानी हैं, वो तत्पर हैं आपसे बात करने के लिए। सारी बातें उन तक गोपनीय रहेंगी, बेझिझक होकर कभी भी दिल खोल के आप उनसे बात कर सकते हैं। पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इंदु आहूजा से बात करना चाहते हैं शो खत्म होने के बाद, तो ऐसे में आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात करनी होगी। आपकी समस्या ज्यादा है, गंभीर है, निजी है, ज्यादा लोगों के बारे में आपको सवाल पूछना है, तो ऐसे में आप मुझसे आधे घंटे का यानी कि 30 मिनट्स का अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। इन केस आपको लगता है आपकी समस्या बहुत छोटी है, आपको एक ही सवाल पूछना है या आपको दोबारा मुझसे बात करनी है, तो ऐसे में आप मुझसे 10 मिनट का यानी कि 10 मिनट्स का अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, इंदु आहूजा आपसे पूरा पूरा वादा करती है कि सारी बातें वो अपने तक ही गोपनीय रहेगी। अगर आप शो के दौरान मुझसे बात करना चाहते हैं तो कल इसी चैनल पे, इसी जगह, इसी वक्त कल आपके सामने मैं फिर से आऊँगी। कल भी मैं आपके साथ रहूँगी पूरा 1 घंटा। इस बीच में अगर आपको कोई भी टेंशन है, कोई भी समस्या आ रही है, तो सिर्फ उठाना है आपको अपना मोबाइल फ़ोन, डायरेक्टली आपको डायल करना है 5-6-6-4-4-6-6। ये नंबर पर कॉल करने के बाद आप इस सेवा का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। मैं फिर से आपको दोहरा दूँ, शो के बाद अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऐसे में आप मुझसे आधे घंटे का या 10 मिनट का अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। सारी बातें मुझ तक पूरी तरह से गोपनीय रहेंगी और शो के दौरान अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कल इसी चैनल पे, इसी जगह, इसी वक्त कल आपके सामने मैं फिर से आऊँगी।
तो तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इंदु आहूजा हमेशा आपका पूरा पूरा ध्यान रखेगी और हमेशा आप मेरी मदद ले सकते हैं। तो आज का दिन आपका बहुत ही शुभ हो, खाएं पिए एकदम से मस्त रहें। विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, बी हैप्पी। नमस्कार।